किया जा रहा है, ठीक है। तो आज की जो चर्चा का विषय है ब्रह्म, तो ब्रह्म के अनेकों जो समझा जाता है ब्रह्म के विषय में, यद्यपि वह त्रिगुणातीत है, भावातीत है, शब्दातीत है, इंद्रियातीत है, परंतु भावयुक्त होकर ही जो बातें जानी जा सकती हैं, जो समझी जाती हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो ऋषि मुनियों ने जो कहा है, उसी के आधार पर यह चर्चा है। और क्या विशेष चर्चा, वैसे तो ऐसा नहीं है, संयोगकर्ता, प्रपंचकर्ता और आदि कारण। अब यहां पर देखिए, यह जितने भी शब्द दिए गए हैं ब्रह्म को, संयोगकर्ता, प्रपंचकर्ता, आदि कारण, और भी कई नाम, और भी कई बातें, तो ये किस आधार पर दिए गए हैं? यह संयोग के आधार पर दिए गए हैं, यह निश्चित नहीं है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस चर्चा को हम शुरू करें, इसके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। यहां पर आप उपनिषदों की चर्चा सुन रहे हैं, मात्र श्लोकों को पढ़ देना सुना देना नहीं है, मर्म को समझना जरूरी है, क्योंकि पीछे भी कई बातें कही जा चुकी हैं ब्रह्म के विषय में, अब भी कही जा रही है, आगे भी कही जा रही है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी जो चर्चा चल रही है उसका आधार क्या है, संयोग और विवर्त। ये जो कॉन्सेप्ट है विवर्तवाद का और संयोग का, उसके आधार पर चर्चा चल रही है। इसके लिए हमने अभी दो दिन पहले जो चर्चा हुई तो उसमें स्पष्ट कर दिया था कि सांख्य ने संसर्ग माना है पुरुष प्रकृति का, अद्वैत ने संयोग माना है। अद्वैत संयोग की बात करता है कि ब्रह्म का संयोग है, तो उसके आधार पर कई चर्चाएं की जा रही हैं। तो यहां पर जितनी भी चर्चाएं होने वाली हैं उसका आधार क्या है, संयोग। और उस आधार को लेकर बातें कही जा रही हैं। जैसे कि एक विषय हम यहां पर ले रहे हैं आदि कारण। आदि कारण मतलब जो फर्स्ट काउजल काउज है, काउज एंड इफेक्ट से हम इस बात को लेंगे, क्रिया कारण सिद्धांत से। तो काउज है, जो फर्स्ट काउज है वो ब्रह्म है, तो उसका कारण होना यह क्या है, एक संयोग है। तो यह जो आदि कारण शब्द लिया जा रहा है वह संयोग से लिया जा रहा है, ये समझिएगा, ये फिक्स नहीं किया जा रहा कि वो आदि कारण है, संयोग के संदर्भ में वो आदि कारण है, वो फिक्स है। लेकिन ब्रह्म तो अनादि है, ना उसका आदि है और ना उसका अंत है। जब ब्रह्म अनादि है तो उसे आदि कारण क्यों कह रहे हैं, आदि कारण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह कारण का संयोग कर रहा है, ठीक है। वह हर प्रकृति के संपूर्ण क्रिया में वह संयोग करता है, बस इतना ही उसका योगदान है। तो इसीलिए, और इतना ही क्या योगदान है, यही मुख्य योगदान है। अगर यह संयोग ही ना हो तो बाकी चीजें नहीं होने वाली, फिर बाकी चीजों का सृष्ट होना या बनना यह कभी भी संभव नहीं हो पाएगा फिर। तो इसीलिए अगर बिजली का संयोग ना हो तो क्या पंखा चलेगा, क्या टीवी चलेगा, क्या फ्रिज चलेगा, क्या आप ये लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर बिजली का संयोग ना हो तो क्या आप ये लाइव सेशन अटेंड कर पाएंगे, क्या ये चर्चा देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए उस ब्रह्म का संयोग है, वो कर कुछ भी नहीं रहा लेकिन उसके संयोग से सब कुछ हो रहा है, उसके सकाश से सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं रहा, वो कुछ ना करते हुए भी करता है, संपूर्ण करता है, वह अकर्ता होते हुए भी करता है, कुछ ऐसी बात यहां पर है। बिजली जो है ना आपको टीवी दिखाती है, ना आपको हवा देती है, ना आपको खाना बनाती है, ये बिजली का काम नहीं है, ना आपको गर्मी देती है हीटर से, ना कूलर से ठंडक प्रदान करती है, एसी कूलर से ना ठंडक देती, ये बिजली, अगर बिजली का काम ठंडा देना होता तो उसकी तार भी ठंडी होती फिर, नहीं है। लेकिन
इन सारी क्रियाओं के पीछे उसका संयोग है, उसके संयोग के बिना कुछ भी हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये संयोग करता है, यह संयोग करता है। अब संयोग करता के आधार पर उसके कई कार्य हो जाते हैं, फिर उसके कई नाम भी हो जाते हैं, फिर वह भावातीत भावयुक्त भी हो जाता है, फिर तो उसकी वास्तविक अवस्था तो नहीं कही जा सकती। लेकिन जहां प्रेरणाओं की बात है, जहां प्रेरणाओं की बात है, तो बिना भावनाओं के, बिना विचारों के कोई प्रेरित कैसे होगा? फिर बिना भावनाओं के, बिना विचारों के तो प्रेरित होने का कोई मतलब ही नहीं है। बिना भावों के, बिना विचारों के तो प्रेरित होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझ लेने से, विचार कर लेने से हमारे लिए अच्छा होगा। तो यही समझना है, ठीक। तो जिज्ञासुओं, ये विचार कर कर हमें चलना है। तो समझने वाली बात क्या है कि इसके संयोग से, अब हम देखेंगे श्लोकों के अंदर, श्लोकों के अंदर देखेंगे कि कौन सा संयोग की बात की जा रही है, कौन कौन से संयोग बनते हैं, और उस ब्रह्म को क्या क्या कहा जा रहा है, उसके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उस तथ्य को हम श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयोग करेंगे। तो चलिए श्लोक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है आपको, बफरिंग थोड़ी सी आ रही होगी, चिंता ना करें, ठीक हो जाएगा। जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है, तो ये हमें समझ कर, विचार कर कर चलना है और इस क्रिया को समझना है। तो चलिए श्लोकों पर हम ध्यान देते हैं कि श्लोक क्या कहते हैं। तो पंचम श्लोक श्वेतास्त्र उपनिषद का जो पंचम श्लोक है वो कहता है, आदि सह संयोग निमित्त हेतु पर स्त्री कालाद कलो अपि दृष्ट सम विश्वरूपम भवभूत मेडयम देवम स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम। वह आदि कारण किसे कहा जा रहा है? ब्रह्म को कहा जा रहा है आदि कारण। वह जो आदि कारण है उसके बारे में, वह आदि कारण त्रिकालात पर तीनों कालों से सर्वथा अतीत और अकाल रहित, अर्थात काल से परे है। वो जो आदि कारण है उसे आदि कारण भी कहा जा रहा है, साथ में उसके बारे में वो त्रिकाल, मतलब कि वह जो आदि कारण है वो त्रिकालातीत है, तीनों कालों से परे है, भूत भविष्य और वर्तमान से परे। त्रिकालात पर तीनों कालों से सर्वथा अतीत, अकल अकाल रहित, कला रहित, वो कला रहित है, संकल्प रहित है। संयोग निमित्त हेतु, साफ साफ लिखा जा रहा है उसका नाम क्या लिखा जा रहा है, आदि सह संयोग निमित्त हेतु। इस श्लोक को पढ़ेंगे आप श्वेतास्त्रोपनिषद का छठा अध्याय पंचम श्लोक, पांचवा श्लोक क्या कहता है, आदि सह संयोग निमित्त हेतु। उसका वह किसका निमित्त है जी? वह किसका निमित्त है? संयोग का निमित्त है। सांख्य जो है संसर्ग को समझाता है, सांख्य जो है संयम को समझाता है, संयम, संयम से सिद्धि आती है, ठीक है। सिद्धि कैसे आती है? संयम से सिद्धि आती है। तो सांख्य समझाता है, वेदांत संयोग को समझा रहा, संयोग निमित्त हेतु साफ रूप से लिखा जा रहा है कि ब्रह्म क्या है? संयोग ही उसका लक्ष्य है। वो क्या करता है? संयोग ही करता है।
वो संयोग करता है और संयोग करवाता है। तो संयोग करना ही उसका लक्ष्य है, यह समझना है। तो संयोग करता बने, कौन संयोग करता, संयोग करता कौन है, तो ब्रह्म है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आदि सह संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालाद कलो अपि दृष्ट, त्रिकाल से कि वह जो है परे है, परस्त्री का। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को कि स्त्री शब्द आ रहा है, स्त्री शब्द नहीं है यहां पर, वैसे संधि करके ऐसा पढ़ने में लग रहा है, लेकिन परस्त्रिकाल मतलब तीन कालों से, त्रिकाल की बात कही जा रही है, तीन कालों से जो परे है, कला रहित है, संयोग निमित्त है, दृष्ट देखा गया है, वह संयोग निमित्त ही देखा गया है, स्वचित स्थम वह अंतःकरण में स्थित, स्वचित स्थम विश्वरूपम, विश्वरूपम वो सर्वरूप है, सब में बसा हुआ है, भवभूतम संपूर्ण, भव माने संसार और भूत माने जीव, भव माने संसार और भूत माने जीव, संसार और जीव का भी संयोग वही करने वाला है, संसार और जीव का भी संयोग वही करने वाला, ठीक। तो भवभूतम, भवभूतम का तात्पर्य यहां पर क्या है, भव माने संसार, भूत माने जीव, तो जीव और संसार जगत रूप में जो प्रकट है उनमें वह समाया हुआ है, सर्वरूप है, विश्वरूप है, पूर्वम पुराण पुरुष है, देवम उपास्य, देवम स्वचित स्थम उपास्य पूर्वम, जो स्वचित में हमारे चित्त में ही स्थित है, हृदय गुहा में विराजमान है, हृदय गुहा से जो जाना जाता है उसकी बात यहां पर की जा रही है। वह संयोग का निमित्त करने वाला, तीनों कालों से परे, संकल्पों से करे, सभी कलाओं से परे, मन बुद्धि चित्त से परे, लेकिन चित्त में स्थित, अंतःकरण में स्थित, हृदय गुहा में विराजमान, ये सारी बातें उस ब्रह्म के लिए कही जा रही है, जिसमें से कि जो मुख्य बात है कि वो काल से परे, काल से परे संयोग निमित्त हेतु, क्योंकि वो ये चीजें जो है काल से परे है, इंद्रियों से परे है, अंतश्चित है, अंतश्चित में स्थित है, ये बातें तो और भी कई जगह मिल चुकी है, लेकिन विशेष जो विचारधारा यहां पर कुछ श्लोकों में जो लिया जा रहा है वह है संयोग, इसलिए उसको नाम दिया गया है संयोग निमित्त हेतु। एक और नाम दिया गया है ब्रह्म को, संयोग निमित्त, मतलब कि संयोग के निमित्त ही वो है, कोई दूसरा निमित्त उसका नहीं है, वो आपको सुख देने नहीं आ रहा, वो आपको दुख देने नहीं आ रहा, वो आपको इनाम देने नहीं आ रहा, वो आपको दंड देने नहीं आ रहा, बस वो संयोग करता है। क्या है? संयोग करता, संयोग निमित्त हेतु है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इसको समझना है, संयोग निमित्त हेतु है, तो संयोग निमित्त वो संयोग करता है, इसलिए उसको संयोग निमित्त हेतु कहा जा रहा है, तो ये बात कही जा रही है। अगले श्लोक को देखते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है फिर से ब्रह्म के बारे में, तो उसमें कहा जा रहा है सवृक्ष काला कृत भी परो अन्ने स्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञातवात्मस्थमृतम विश्वधाम। अर्थात जिससे यह प्रपंच, प्रपंच मतलब पंचभूतों की उत्तर अवस्था, बाद की अवस्था, पंचीकरण हो जाने से जो प्रपंच बनता है उसी को संसार कहते हैं। पंचभूतों की सृष्टि ही तो प्रपंच है, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी, आपने सुना ही होगा, प्रपंच के ऊपर चर्चा हो चुकी, दो दो वीडियोस में प्रपंच पर चर्चा हो चुकी है, प्रपंच क्या है ये समझाया जा चुका है, मेरे ख्याल से तैतरीय उपनिषद का विषय रहा होगा, या संभवतः शायद श्वेताश्र उपनिषद का रहा हो, तैतरीय का ही रहा होगा जहां तक मुझे लगता है, उसमें प्रपंच पर चर्चा की जा चुकी है, प्रपंच क्या है। तो प्रपंच पंचभूतों से निर्मित यह संसार ही प्रपंच है, इसी को प्रपंच कहा गया। तो प्रपंच का विस्तार करने वाला अर्थात प्रकृति का विस्तार करने वाला, पंचभूतों को संयोग प्रदान करने वाला,
कि भाई तुम काम करो, तुम सृष्टि करो, तो वह आदि कारण बन जाता है, इसीलिए उसे आदि कारण भी बार बार कहा जा रहा है। तो जिससे यह प्रपंच परिवर्तते, निरंतर चलता रहता है, अर्थात प्रपंच का भी रुकता नहीं। परिवर्तते, परिवर्तते शब्द का मतलब इसमें यह चलायमान है, यह परिवर्तनशील है। इस प्रपंच में, इस पंचभूतों की दुनिया में निरंतर ही परिवर्तन चलता रहता है। तो उस परिवर्तन का संयोग करता भी ब्रह्म है, अर्थात काल का संयोग करता भी ब्रह्म है। यद्यपि वो काल से परे है, वो त्रिकाल से परे है, तीन गुणों से परे है, तीन गुणों से परे है, लेकिन तीन गुणों से परे होकर, त्रिकाल से परे होकर वह जो है प्रपंच को चलाने वाला है, वही काल का संयोग करने वाला है। काल अगर है, काल का अस्तित्व है, तो उस ब्रह्म के संयोग से है। अगर सृष्टि हो रही है, उस ब्रह्म के संयोग से हो रही है। अगर प्रलय हो रहा है, तो वो भी उस ब्रह्म के संयोग से हो रहा है। तो वह संयोग निमित्त हेतु, उसको संयोग निमित्त हेतु कहा जा रहा है। तो परिवर्तते, यस्मात् अयम् प्रपंच परिवर्तते, सह वृक्ष कालाकृति भी, इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से परह सर्वथा अतीत है। अर्थात जिसे हम संसार वृक्ष कहते हैं, जिसमें यह प्रपंच चल रहा है, इस संसार वृक्ष में जो प्रपंच चल रहा है, उस संसार वृक्ष से परे है। वह बस संयोग कर रहा है, लेकिन संयोग करते हुए वो अलग है, अलग है। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो, थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर आप जानते हो, तो केमिस्ट्री में एक केमिकल्स होता है जिसे कहते हैं कैटलिस्ट। अब मुझे भी थोड़ा सा याद आ जाता है बीच में कि भाई ये बात यहां मैच कर रही है। तो संयोग को समझने के लिए आपको समझ में आएगा ये बात, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं कि रसायन शास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे ओरिजिनली पता नहीं है कि हिंदी में कैटलिस्ट को क्या कहा जाएगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था हिंदी मीडियम में इसलिए। तो कैटलिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि दो तत्वों को मिलाते, ठीक है, वो संयोगकर्ता बनते हैं। दो तत्वों को मिलाकर जो है वो अलग हो जाते हैं, फिर उनका कोई मतलब नहीं है, वो उनसे अलग रहते हैं, लेकिन बस वो उस प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को अंजाम देते हैं, वो उस प्रोसेस को करवा देते हैं। यद्यपि आप कभी भी गलती से ब्रह्म को कैटलिस्ट मत मान लेना, गलती से भी बहुत बड़ी भयानक गलती हो जाएगी। कई लोग यह गलतियां करते रहते हैं, इसीलिए मैं जब भी कोई उदाहरण लेता हूं, चाहे बिजली और पंखे का उदाहरण हो, तो यस एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, लेकिन ब्रह्म कोई बिजली जैसा नहीं है, ब्रह्म कोई बिजली जैसा नहीं है, ब्रह्म कोई कैटलिस्ट भी नहीं है। कुछ लोग ले आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बड़े उनको लगता है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गए। वह त्रिगुणी माया को क्या बोलेंगे, यह जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यह जो एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यही त्रिगुणी, यही तीन गुणी है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की तुलनाएं एग्जैक्टली उसको वैसा समझना महामूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता। यह मैं अपने अनुभव अध्ययन से बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन को क्या होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, क्वैक्स थ्योरी क्या है, गॉड पार्टिकल थ्योरी क्या है। कई बार लोग सोच लेते हैं कि भाई ये शास्त्र सुना रहे हैं तो इनको तो इन सब चीजों का पता ही नहीं होता, ठीक है। तो हालांकि पीछे मैंने अपने कुछ वीडियोज में, एक साल पहले की बात है, मैंने एक वीडियोज डाला था जिसमें कि ये मैंने बताया था कि आई एम ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, मैं सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर भी रह चुका हूं। तो इसीलिए कमेंट करता हूं को बता देता हूं कि कई बार वो ऐसा कमेंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश। जबरदस्ती का टैली मत करिए, जबरदस्ती के टैली बंद कर दीजिए। तो किसी ने लिखा भी होगा किसी किताब में तो इट्स ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। देवता हिरण्य गर्भ के वासी हैं, सीधी सी बात।
कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज ए फिजिकल थिंग। तो जबरदस्ती का साइंस मत घुसाइए। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इट्स ओके, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीजें अगर किसी ने शायद लिखी हो, किसी विद्वान व्यक्ति ने, लेकिन उसको सीधा जोड़ देना अध्यात्म से, ये गलती हो, ये बहुत भारी गलती कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ब्रह्मा विष्णु महेश बना बताकर आपको लगता है कि आप बुद्धिजीवी हो गए हैं, मेरी नजर में तो मूर्ख ज्यादा हो गए, ठीक है, मूर्ख ज्यादा जरूर हो गए। जबरदस्ती का जोड़ तोड़ मत करने में लगे रहिए, ठीक है, इससे कोई बुद्धिजीवी नहीं बन जाएंगे। जब तक ध्यान योग नहीं होगा, जब तक ध्यान योग नहीं होगा, सही से बातें समझ में नहीं आएंगी, ये समझ लीजिए। तो ये बिना ध्यान योग के सिर्फ इधर की बात उधर की बात कलेक्ट कर लेने से नहीं होगा। और ये ध्यान योग वाली बात किसको है, जिन ऋषियों ने अध्यात्म को रखा है वो दावा करते हैं, वो इस बात का दावा करते हैं। तो आप उनकी बातें उनके मार्ग से ही समझ पाएंगे, ऐसे कैसे समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में कहीं पर कोई मिठाई की दुकान खुली हुई है, भाई जो वहां जाकर खाया होगा वही तो बताएगा ना कि कैसा स्वाद है। और जब वो रास्ता बता रहा है कि नहीं वहां जाओ और खाओ, तो आपको जाकर खाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता, फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए अगर ऋषियों ने ध्यान योग का मार्ग बताया है तो यू हैव टू डू दैट, आपको ध्यान योग करना है, ठीक है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो जबरदस्ती की चीजें नहीं जोड़नी चाहिए कभी भी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश देव हैं, त्रिदेव हैं, शिवजी महादेव हैं, ठीक। तो इसीलिए देवों को, देवता का कॉन्सेप्ट समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। देव किसे कहते हैं वो कॉन्सेप्ट जब अच्छे से समझ में आएगा तो देवों की अवस्था समझ में आएगी, और देवता क्या है ये समझ में आएगा। इसके ऊपर कई वीडियोस पहले बन चुके हैं, तो उस ढंग से चीजों को समझना और लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ब्रह्म की चर्चा, तो मैंने कैटलिस्ट का एक एग्जांपल लिया कि एक रसायन शास्त्र में केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या करता है कि दो प्रतिक्रियाओं को कराकर अपना अलग रहता है। तो कुछ वैसे समझिए कि संयोगकर्ता कहने का अर्थ क्या है। काल का संयोग वो करता है, प्रपंच का संयोग वो करता है, लेकिन प्रपंच से अलग है। काल का संयोग करकर भी काल से अलग है, इंद्रियों का संयोग करकर भी इंद्रियों से अलग है। इंद्रियातीत है, कालातीत है, प्रपंचातीत है, ठीक है, उन सबसे परे है। ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। तो वह संयोग निमित्त हेतु, उसका नाम क्या है, उसका एक ही निमित्त है, संयोग। ये वेदांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत वेदांत और वेदांत, ये कह लीजिए, ठीक। वो भवभूत का संयोग कर रहा है, जीव का और संसार का। भव मतलब यह संसार हो गया, भूत मतलब संसार, और जीव से संपन्न जो ये दुनिया है पूरी, बिना जीव की क्या दुनिया होगी सोच लीजिए। बिना जीव के दुनिया हो सकती है क्या? जीव तो रहेगा ही उसमें, तो उसी का अंग है, उसी से विकसित होकर आ रहा है, वो कोई अलग से विकसित नहीं हो गया, ठीक है। उसी ब्रह्म से ही सब कुछ बनता हुआ आ रहा है, तो वह सबका संयोग करते हुए सबसे अलग भी है साथ में। यह बात यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है। तो सर्वथा अतीत वृक्ष काल कृति भी, इस संसार वृक्ष और काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत भिन्न है। धर्म की वृद्धि करने वाला, पाप का नाश करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति, पाप का नाश करने वाले अर्थात वही पाप का नाश करने वाला है, धर्म की वृद्धि भी वही करने वाला है। पाप, क्योंकि पापों के बढ़ने से असंतुलन व्याप्त होता है, तो पापों का नाश भी करेगा वो। भगेशम, संपूर्ण ऐश्वर्य का अधिपति, संपूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण है जब वो भगो से संपन्न हो जाता है, पाप नाशक बन जाता है, ठीक है। और आत्मस्थम, अपने ही हृदय में स्थित जानकर, उसको अपने ही हृदय में स्थित जानना पड़ेगा। आत्मस्थम ज्ञात्वा अमृतम
अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये सारी चीजें हैं लेकिन उसको जानोगे कैसे, अंत में बता दिया जा रहा है कि भैया ये सारी चीजें हैं, वो आत्मस्थित है, वो पापनाशक है, वह जो है काल का संयोग करने वाला है, प्रपंच को बनाने वाला है, सारी चीजें वो करने वाला है, सबका संयोग वही कर रहा है, लेकिन उसे जानोगे कैसे, तो आत्मस्थम ज्ञात्वा, क्या शब्द लिखा गया, आत्मस्थम ज्ञात्वा अमृतम, अर्थात तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाओगे। ज्ञात्वात्मस्थम अमृतम विश्वधाम, विश्वधाम वह जो विश्व रूप है, वो जो सर्वव्यापी सत्ता है, आप उसको जानोगे कैसे, जानोगे आत्मस्थित स्थिति को जानकर। आप बाहर में नहीं जान सकते, आप तर्कों से नहीं जान सकते, आप लॉजिक से नहीं जान सकते कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, या वो कहीं कुछ और है। 50 तरह की बातें कही जा सकती हैं कि ये सनातन है, उसकी सत्ता है, इसकी सत्ता है, लेकिन तुम अगर जानोगे कोई भी बात, अगर इस विषय में अगर जानोगे, अगर तुम सही में जानोगे, तो उसका एक ही उपाय है, आत्मस्थम ज्ञात्वा, आत्मा में जो स्थित है उसको जानो। नो दाई सेल्फ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, तुम उसको जानो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जब तुम उसको जानोगे तो फिर क्या होगा, तुम जान जाओगे कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, किस तरह से है, फिर तुम पाओगे कि दैट इज योर रियल सेल्फ, वो आपका रियल सेल्फ है, वो कोई दूसरी चीज नहीं है, वो आप ही हो। रियलाइजेशन ऑफ रियल सेल्फ, स्वरूप की अवस्था, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, आप स्वरूप की अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर आप स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। फिर ये बात यहां अंततः कही जा रही है, सारी बातें कहने के बाद, काल का संयोग करने वाला, प्रपंच का संयोग करने वाला, सबका संयोग करने वाला, वह पाप नाशक, पापों का नाश करने वाला, यह भी बाद में भगेश, भगेश भी कह दिया, भगों को संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करने वाला और संपूर्ण ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला, ठीक है, किसी के अंदर ऐश्वर्य दिखाई दे, चाहे वाणी के रूप में दिखाई दे, चाहे सिद्धि के रूप में दिखाई, जिस रूप में, कर्म के रूप में दिखाई दे, तो समझ लो कि उसी से है, ठीक है। पाप अनुदम धर्मावहम, धर्म के स्थापना भी वही करने वाला, क्योंकि वो स्वयं धर्म है, धर्म की वृद्धि करने वाला, धर्मावहम, धर्म की वृद्धि करने वाला वही है, उसके होने से ही धर्म की वृद्धि होती है। जब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो धर्म की वृद्धि होती है, जब आप उसको अपने आत्मा में स्थित, अपने हृदय गुहा में स्थित, उस ब्रह्म की ओर, उस आत्मा की ओर जब आप चलना शुरू करते हैं ध्यान योग से, ध्यान योग ही उसका मार्ग है, जब ध्यान योग से चलना शुरू करते हैं तो धर्म की वृद्धि होती है, ठीक। तो यह बातें यहां पर समझाई जा रही हैं। तो ध्यान योग के माध्यम से सारी चीजों को आत्मस्थित, जो वह आत्मस्थम ज्ञात्वा, उस आत्मा में स्थित, स्वयं में स्थित, अपने ही हृदय गुहा में स्थित, उसको जानकर योगी जो है अमृतम, अमृत हो जाते हैं, अर्थात वो अमर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं, कुछ इस तरह की बात समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो यह हमें इस विषय में समझना है। तो ब्रह्म को क्या कहा गया, इन दो श्लोकों में हमने देखा, दो श्लोकों में ब्रह्म को कहा गया प्रपंच कर्ता, आदिकारण, आदिकारण भी कहा गया, और फिर संयोग निमित्त हेतु, संयोग निमित्त हेतु। तो अब ये जितनी भी बातें हुई उसका आधार एक शब्द था कि वह संयोग करता है। ये जितने भी भावनाओं को लिया गया ब्रह्म के विषय में कि भगेश है, धर्म की वृद्धि करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, प्रपंच परिवर्तते, अर्थात संसार को चलायमान रखने वाला है, ये जो नित्य परिवर्तन, परिवर्तते, ये नित्य परिवर्तनशील, एवर चेंजिंग वर्ल्ड, एवर चेंजिंग वर्ल्ड, यह जो एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, नित्य परिवर्तनशील संसार है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है, इसकी जो स्पीड है, इसका जो चलायमान रहना है कि हमेशा चलता रहता है, नेवर स्टॉप्स। आप आराम करना चाहते हो, आप सोना चाहते हो, अगर साइंटिफिकली भी देखो तो ये पृथ्वी कहते हैं
30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रही है, या पृथ्वी जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रही है। सोच लो कितनी स्पीड होती है 30 किलोमीटर एक सेकंड में। वाह, आप खुद सोच सकते हो कितनी तेज स्पीड है हमारे अर्थ की, ठीक ना, रिवॉल्व कर रही है, खूब तेजी से स्पिन कर रही है, लेकिन आपको पता चल रहा है, लेकिन उसकी स्पिन की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, हम नहीं जानते इस चीज को। हम तो अपना मस्त है खाने पीने में, रिश्ते नाते बनाने में, ठीक है, और ये धरती कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से बताओ भाग रही और पता नहीं चल रहा। अगर आपको किसी गाड़ी पे बिठा दिया जाए जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, सोचो क्या हाल होगा आपका। लेकिन यह पृथ्वी की जो स्पीड है वो यही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। संयोग करता है ब्रह्म, संयोग करता है इस संपूर्ण पृथ्वी में जो परिवर्तनशीलता है, वो तो चलिए फिजिकल मूवमेंट है, लेकिन एक दूसरा मूवमेंट भी है कि इसमें कुछ भी ना हमारा, कल भी मैंने चर्चा की थी कि हमारा गांव भी वैसा नहीं रहा, हमारे शहर भी वैसे नहीं रहे, हमारे रिश्ते नाते भी वैसे नहीं रहे, एवरीथिंग इज चेंजिंग। यह जो चेंजिंग है इसका संयोगकर्ता कौन है? ब्रह्म है। और इसी चेंजिंग से काल का जन्म हो जाता है, तो काल का संयोगकर्ता कौन है? वो भी ब्रह्म है, इसीलिए वो आदि कारण है, आदि कारण है, उसका संयोगकर्ता होना ही आदि कारण होना है। तो यह जितनी भी बातें इन दो श्लोकों में कही गई हैं, एक बात को केंद्र बनाकर कही गई है, संयोगकर्ता है। लेकिन उस संयोगकर्ता को आप जानना चाहते हैं तो आत्मस्थम गत्वा, आत्मा में जो स्थित है उसको जान लो, उसको जानकर तुम ब्रह्म को प्राप्त करोगे, परमात्मा को प्राप्त करोगे, ये बताया जाए, ठीक है, परमात्मा को प्राप्त करो। तो ये चीज हमें समझना है और समझकर चलना है। तो चलिए आपके कमेंट्स पर चलते हैं, और तो वही अंत में देखिए घुमा फिराकर इतनी सारी बातें करकर उसी पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, हृदय गुहा में जाने का रास्ता क्या है, आत्मज्ञान का मार्ग क्या है, ध्यान योग में कैसे उतरा जाए, कुल मिलाकर वहीं पहुंचना। तो ध्यान योग का जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है? 29 तारीख से। ज्वाइन करिए और उसका लाभ उठाइए, ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे ले जाते हैं। तो आपके कमेंट्स, समय हो गया है आपके कमेंट को पढ़ने का। बबीता धीमान जी, हरिओम जी, बलदाऊनाथ योगी जी, प्रणाम गुरु जी, विक्रम सिंह जी, अभिनंदन है, जगत नारायण जी अभिनंदन है, कन्हई कुमार जी, अंजू श्रीवास्तवा जी, दयानंद नंद जी, प्रणाम गुरुदेव। क्या ध्यान करते समय किसी भी मुद्रा में किया जाए? ध्यान मुद्रा लगाइए, किसी भी मुद्रा में कंफ्यूज क्यों हो रहे, ध्यान मुद्रा का प्रयोग कीजिए। गोपाल शर्मा जी, विश्व यात्री जी, विमला शाह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, अर्जुन चौहान जी, अमन कक्कर जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, उषा श्रीवास्तवा जी, स्मिता सावंत जी, जयंती भाई पटेल जी, भीम सिंह मीना जी, रमेश चोपड़ा जी, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री राम जी, रचना आरके जी, अजीत किस्कू, जय सच्चिदानंद गुरु जी, सुरेश कुमार सूर्यवंशी, माधुरी कोले जी, सुरेश कुमार सूर्यवंशी जी। मेरा एक प्रश्न है कि आत्मा या परमात्मा एनर्जी है? जी नहीं, बियॉन्ड एनर्जी है, बियॉन्ड एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी वहां है जहां बैलेंस नहीं है, जहां पूर्ण संतुलन स्थापित हो जाएगा वहां क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है। एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस। एनर्जी कब पैदा होगी? हाँ, आप पूछते कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये एनर्जी है? जी हाँ, ये एनर्जी है, ठीक, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों एनर्जी है, नो डाउट, लेकिन आत्मा एनर्जी नहीं है, ब्रह्म एनर्जी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कब है? जब तीनों गुण संतुलित है, ब्रह्म में सारे गुण संतुलित होते हैं, ठीक है, आत्मा में सारे गुण संतुलित अवस्था में होते हैं, इसीलिए वो एनर्जी नहीं है।
ये समझिए, बलवंत सिंह गोहिल जी, अजीत किस्कू जी, गुरु जी, ब्रह्म तो मुक्त है तो क्या मुक्ति की आवश्यकता मन को है? जी हाँ, मन को है, मन भी उसमें आ जाएगा, चित्त को है, मुख्य रूप से चित्त। यहां पर भी अभी जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें क्या कहा गया, चित्तस्थम मतलब चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है कि चित्त में स्थित, अंतः चित्त में स्थित ब्रह्म की बात यहां पर की गई है। तो यह थोड़ा सा समझना है, स्वचित्तस्थम, स्वचित्तस्थम ऐसे शब्द का प्रयोग, चित्त क्या चीज है? मन जो है, मैं कई बार समझा चुका हूं मन और चित्त के बारे में, कंफ्यूज मत होजिए। चलिए मैं थोड़ा सा समय देता हूं और मन और चित्त को फिर क्लियर करता हूं। मन क्या है, चित्त क्या है? चित्त के अंदर पूर्व संस्कार भी हैं, वर्तमान संस्कार भी है, आज तक जितने जन्मों में आपने कर्म इकट्ठे किए हैं, संस्कार इकट्ठे किए हैं, उन सबका इंप्रेशन डाटा चित्त में है, ठीक है। मन क्या है? मन प्रेजेंट फॉर्म है, मन एक्टिव फॉर्म है, चित्त का एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म मन है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने, मैं एक ही एग्जांपल दोबारा लूंगा क्योंकि पहले भी उसको ले चुका हूं और कई लोग उसको समझ चुके हैं, तो समझ में आपको आ जाए कि आपने किसी खाद्य पदार्थ को खाया, कोई भोजन किया, सब्जी खाई, मान लीजिए आपके साथ आपने किसी होटल में खाया, या आप शादी ब्याह में कहीं गए थे, पार्टी में गए थे, वहां आपने खाया, आपका मित्र भी था, उसने भी खाया, आपने, आपके मित्र ने कहा कि सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी, मजा आ गया, आपने कहा कि नहीं मेरा तो मजा किरकिरा हो गया, तीखा लग रहा है, खाया नहीं जा रहा, मुझे तो पानी पीना पड़ रहा है, मीठा खाना पड़ेगा, आपका मजा किर, सब्जी तो वही थी, लेकिन आपका मन कह रहा है, तो ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है कि नहीं सब्जी अच्छी नहीं लग रही, दूसरा कह रहा है कि नहीं बड़ी अच्छी लग रही, तीखा खाना उसको पसंद है तो कह रहा है कि अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अब एक के मन को अच्छी, एक ही चीज है ना, चीज तो एक ही है, इसलिए अलग अलग सिचुएशंस बन सकते हैं लाइफ में, हर आदमी उसे अलग अलग तरीके से हैंडल करता है, हर आदमी उसे अलग अलग तरीके से हैंडल करता है, अलग अलग सिचुएशंस लाइफ में बन सकती है, लेकिन हर आदमी एक जैसा डिसीजन नहीं लेगा, अलग अलग तरीके से हैंडल करेगा उसे, उसके अपने संस्कार, उसकी अपनी क्षमताएं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो अब एक व्यक्ति का संस्कार है, उसके चित्त में एक चीज का प्रभाव है कि उसके घर में तीखा खाना बनता है और वो तीखा खाने का आदि है, तीखा कम हो तो उसे फीका लगता है, लेकिन थोड़ा तीखा है तो उसे पसंद आता है। दूसरे के घर में मिर्च कम खाते हैं लोग, अब उसका संस्कार ये है, चित्त में जो उसके संस्कार हैं वो ये हैं कि भाई तीखा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, तो घर में कम बनता है, उसे तीखा सब्जी मिले तो उसे अच्छे, उसके उसका मन बोल रहा है कि नहीं सब्जी अच्छी नहीं बनी, दूसरे का मन कह रहा है कि सब्जी अच्छी बनी, ये मन कह रहा है, लेकिन चित्त में जो संस्कार हैं वो पहले से वो डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या होता क्या है, सेंस एक्सपीरियंस, जब हम सेंस एक्सपीरियंस लेते हैं, हम आंखों से कोई चीज देखा, हमने जिह्वा से स्वाद लिया, कानों से हमने सुना, वो बात हमें अच्छी लगी, बुरी लगी, चाहे जो भी है, जैसी भी लगी, वो जो सेंस एक्सपीरियंस अंदर गया वो अब प्रोसेस में चला जाता है, वो प्रोसेस होता है, कौन प्रोसेस करता है, सबसे पहले जाकर चित्त में जो डाटा पहले से कलेक्टेड है उसके साथ उसका रिएक्शन होता है, जैसी रिएक्शन कौन करेगा, ईगो करेगा, इसको अहंकार इस चीज को अंजाम देगा, अहंकार बोलेगा कि भाई यह जो चीज मेरे दिमाग में आई है या जो मैंने देखा है या जो मैंने सुना है वो कितना सही कितना गलत कितना अच्छा कितना बुरा, वो पहले से निश्चित संस्कारों के आधार पर उसको रिएक्ट करवा देगा, उनकी प्रतिक्रिया करवा देगा, मेल करवाएगा उनका, और मेल करते समय बुद्धि काम करेगी, बुद्धि अब डिसीजन देगी आपको, ठीक है। तो चित्त अहंकार बुद्धि ये तीनों काम करेंगे पीछे से, मन ने क्या किया, बस मन ने रिसीव नहीं किया था, इंद्रियों ने रिसीव किया, इंद्रियों ने ग्रहण किया, मन और बुद्धि अहंकार चित्त ने उसे प्रोसेस कर दिया, और प्रोसेस करने के बाद एक आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया कि सब्जी तीखी है स्वादिष्ट नहीं है, आपके मन ने, आपके मित्र के मन ने क्या आइडिया दिया, अरे सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट, उसी सेंस एक्सपीरियंस दोनों का सेम है लेकिन दोनों का मन अलग अलग है, कंक्लूजन अलग अलग है दोनों का। तो यह जो आइडिया डेवलप होकर आया यह मन है,
यह मन है जो मुझे तो ये करने का मन कर रहा है। ये कहां से आया? मन बुद्धि चित्त अहंकार, तीनों ने डाटा प्रोसेस किया और आपको एक आइडिया दे दिया। उस आइडिया ने क्या बुलवाया आपसे? मुझे तो ये करने का मन कर रहा है, मुझे तो समोसा खाने का मन कर रहा है, मुझे तो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, एनीथिंग मे बी। तो ये आपको मन कर रहा है, तो यह जो मन कर रहा है ये इस तरह से प्रोसेस होकर सामने आ जाता है। तो मन इस तरह से सामने होता है, मन फिर हावी हो जाता है। जो आइडिया, जो विचारधारा जितनी डोमिनेंट हो जाएगी, जितनी रिपीट होगी, रिपीटिशन ऑफ थॉट्स मेक्स ए थॉट्स डोमिनेंट, ठीक है, जितनी रिपीट होगी जो आइडिया, जो थॉट जितनी रिपीट होगी वो उतना अधिक जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ये सारी व्याख्या आपको पतंजलि योग सूत्र पर मिलेगी, प्लेलिस्ट में चली जाइए। इसीलिए मैंने कहा है, कई लोगों की डिमांड है, कई लोगों के प्रश्न है, तो इस कारण से योग सूत्र की व्याख्या हम दोबारा रिपीट करेंगे इस चैनल पर, और शायद ज्यादा बेहतर कर उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें तो अवश्य, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं, मन की फंक्शनिंग, विचारों की फंक्शनिंग, चित्त की फंक्शनिंग, बुद्धि क्या, अहंकार क्या, योग सूत्र ने ज्यादा फोकस किया है इन सब बिंदुओं पर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कमेंट्स में देखते हैं कौन क्या कह रहा है। आवश्यकता मन को है? नहीं, चित्त को है। मुक्ति वास्तव में चित्त की मुक्ति से ही मुक्ति होगी, क्योंकि सारे कर्म संस्कार चित्त में है, पूर्व जन्मों के भी, इस जन्म के भी और पूर्व जन्मों के भी चित्त में है। इसलिए चित्त का लय होना चाहिए, चित्त का लय होना ही कैवल्य कहा गया है। सुरेश कुमार, सूर्यवंशी है या देहधारी है जैसे शिव जी, विष्णु जी, किसके लिए कह रहे हैं? प्रश्न पूरा नहीं। ज्योति दत्ता जी, रमेश पेशवानी जी, राम निवास मीना जी, राजू पाल जी, गंभीर शाह जी, रावत माइक्रो जी, भरत छबलानी जी, योगेंद्र पंडित जी, सोमनाथ शिंदे जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, अबानी प्रधान जी, मस्त राम जी, केशव पटेल जी, पिंटू वासवार, रघुवीर सिंधु, भूप सिंह खीचर, अमृत सिंह पाल जी, ठीक है। तो गुरु जी, जब बात सारी अद्वैत की है तो फिर आत्मा परमात्मा कॉन्सेप्ट किन लोगों की देन है? क्योंकि आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट से ये लोगों की देन है, अलग विचारों से, अद्वैत में नहीं आता। अद्वैत तो ये कह देता है कि भाई सब एक है। अद्वैत ने तो आदि गुरु शंकराचार्य ने विशेष रूप से एक श्लोक में लिखा है, ये आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। लोग अलग अलग संदर्भ में इसकी बातें करते हैं, जैसे मित्र और परम मित्र है, तो मित्र ही लेकिन एक परम मित्र है। तो जब आत्मा को ब्रह्म रूप में देखा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता के रूप में जाना जाता है, तो उसके साथ परम शब्द जोड़ देते हैं, परमात्मा हो, थोड़ी सी उसकी महिमा का विशेष वर्णन करने के लिए परमात्मा कह देते हैं, लेकिन है तो आत्मा ही, मूल तत्व तो आत्मा ही है, ठीक। जलाराम रायका जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गौतम दास जी, हरिओम तत्सत जी। फिर पूरा शरीर और विचार संकल्प भी ब्रह्म है, ठीक, भ्रम नहीं है, इंद्रिय जगत में सत्य है, मिथ्या है। भ्रम कहना और मिथ्या कहना, थोड़ा सा उसमें भी अंतर आता है, ठीक है। जीवच मंडल जी, तरुण प्रभात जी, ठीक है, प्रणाम गुरु जी। तरुण प्रभात जी मेंबर हैं, सन मेंबरशिप ज्वाइन किया इन्होंने। धर्मेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर बीबीसी चिकना चिकनार गुरु जी, एक्सलेंट स्पीच गुरु जी, डी आर बीबी चिकना। पंकज मिश्रा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एके भट्ट जी, उत्प्रेरक तुकाराम तुराखुंडे, प्रणाम। उदय शंकर, राजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर बीबीसी, कैटलिस्ट मीन्स विदाउट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस इन केमिस्ट्री। डॉक्टर बीबी, ऑफकोर्स, हाँ, प्रोसेस में वो ना पार्ट लेकर जो है सपोर्ट करता है किसी चीज को। एक रूपलाल विश्वकर्मा जी, तो वैसे ही जो ब्रह्म है वो अलग रहता है, ठीक ना, वो कालातीत ही रहता है, फिर भी काल का संयोग करता है, तो संयोग करता,
इसलिए कहा गया है। तो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने कैटलिस्ट का एग्जांपल लिया। गुरु जी ये जानना चाहता हूं, हनुमान जी समस्त वेद पुराणों का ज्ञान अर्जित किया था, हनुमान जी किसके भक्त थे? मनुष्य रूप में श्री राम भगवान या ब्रह्म राम तत्व के? वो मनुष्य रूप में भगवान राम का काम कर रहे थे धर्म हेतु, धर्म स्थापना हेतु, ठीक है, लेकिन राम तत्व से जुड़े हुए थे, तत्व रूप में जुड़े हुए थे। ओम तत्सत सुंदर लाल वर्मा जी, गुरु जी शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा है वही स्पिरिचुअल हीलिंग ऊर्जा है या अन्य ऊर्जा? उसी की ऊर्जा, ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है ना, उसका संबंध उससे भी होता है हीलिंग में। बस राम या ज्ञानी रूप अंधकार से नेत्र बंद हो रहे थे, आपके ज्ञान से खुल रहे हैं, आपको शत नमन, अभिनंदन है आपका। संतोष धुंधे जी, क्या ध्यान करते करते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि साधक मन में जो विचार सोचे वैसे ही होते लगता है, तो साधक ध्यान साधना की कौन से स्तर पर पहुंच गया? ऐसा नहीं होता कि साधक जो भी सोचे वही होने लगेगा, क्योंकि उसका सोचना बहुत कम हो जाए, फिर जब वो संकल्प से सोचेगा अनायास सोचना उसका खत्म हो जाता है, विचारों का निर्विचार की अवस्था आने लग जाती है, फिर उस निर्विचार की अवस्था में वह जो भी सोचेगा वो अपने वो सोचेगा ही वही जो सत्य होने वाला, क्योंकि वो अनासक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था तब आती है जब वो पूर्णतः अनासक्त हो जाता है, ठीक है, तो वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो सब कुछ जानने वाला होता है लेकिन अनासक्त भाव से, इसीलिए वो कुछ भी होने वाले को रोकता नहीं है, होने देता है, क्योंकि उसकी कोई आसक्ति नहीं है, वो जानता है कि यह सब प्रकृति का कालचक्र है, कालचक्र के वशीभूत सब कुछ हो रहा है। क्या चित्त के संसार कारण शरीर में रहते हैं? जी हाँ बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं कारण शरीर में। नीलेश लुहार जी, बानवीर गिरवार जी, आचार्य जी, जो उदाहरण आपने मन और चित्त के बारे में दिए हैं उसमें भी ब्रह्म संयोग करता है, ब्रह्म का संयोग तो हर जगह हो गया ना, उसके संयोग से ही सब कुछ है, ठीक है, उसी के संयोग से सब कुछ है, ठीक। तो चलिए, विष्णु प्रसाद जी, टाइटल उतना नहीं, ये भाषा उतना पढ़ लेता हूं, पूरा नहीं, जय गुरुदेव भगवान, ठीक है। तो चलो जी, ठीक है मित्रों, जिज्ञासुओं, तो 29 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा, आप लाभ उठाना चाहते हैं जरूर लाभ उठाइए, ध्यान योग का कोर्स लोगों ने, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिए हैं, फिर भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की है लेकिन किया नहीं है, तो जल्द से जल्द कर लें, 26 तारीख आज हो गई, 27, 28, 29, 2-3 दिन है बस, उसके बाद यह कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। दूसरा है यूथ गीता, यूथ गीता का जो कोर्स है आपको संपर्क करना है उसके लिए, और संपर्क करके आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना एज प्रूफ देंगे, एज प्रूफ आपको देना उसमें जरूरी है, आप एज प्रूफ दीजिए और फिर जब ये शुरू होगा तो आपको ज्वाइन लिंक भेज दिया जाए, एक यूथ गीता के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप एज प्रूफ दीजिए, संपर्क कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और कहिए कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं, आप संपर्क कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर इसका लाभ उठाइए। तो चलिए, इसी के साथ हम इसको, आज के इस कार्यक्रम को यहां पर, इस चर्चा को यहां पर विराम देंगे और कल फिर 9 बजे हम लाइव चर्चा लेकर पहुंचेंगे, साथ में कुछ जो कोर्सेस हैं उसकी जानकारी आपको दे ही दी गई है, तो ध्यान योग के कोर्स के अंतर्गत गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दोनों के लिए, अगर आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए, या यूथ गीता को ज्वाइन, यूथ गीता की एज लिमिट है 18 से 35 साल का एज दिया गया है, आपके घर में कोई बच्चे हैं या फिर कोई युवा हैं आप उनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उनको जरूर बोल दीजिए कि वो ज्वाइन कर लें, ठीक है, नहीं तो आप इस चैनल को देख रहे हैं बस ओनली कॉन्टैक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, बस इतना है। तो नंबर मैं आपको दे देता हूं, दोनों के लिए आपको इसी नंबर पर संपर्क करना है।
ओके चलिए ठीक है, नंबर आप देख लें और देखकर फिर आप इस पर संपर्क करके, अगर आप ध्यान योग का कोर्स गंभीर कोर्स, ठीक है, गंभीरता चाहिए उसके लिए, समय भी चाहिए उसके लिए, तो उस लेकिन फिर भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको कोई डिफिकल्टीज या कोई दिक्कत आएगी, कर लेंगे आप। कुछ लोग कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, तो हम लाइव सेशन कैसे अटेंड करेंगे, लेकिन फिर भी उनका कोर्स हो जाता है। जब आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप कोर्स का कुछ जो पैटर्न है या फ्रेमवर्क जो है, स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है, क्योंकि आपको लाइव सेशन भी मिलती हैं और आपको वीडियोस भी मिलती हैं, दोनों ही मिलता है, ठीक है। तो जब दोनों मिलता है तो कवर हो ही जाता है। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे जो कोई भी काम आप करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप साथ में ये करना चाहते हैं, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो काम करता हूँ सब, मैं 5ों दिन 6 दिन मुझे ऑफिस में रहना पड़ता है, 1 दिन की छुट्टी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 7ों दिन मेरे लिए काम है। अगर 7ों दिन भी काम है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं, क्योंकि इस कोर्स का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा ही है। तो कई लोग ये कहते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन समय की कमी, तो कोई समय की कमी नहीं काम करेगी, आप चिंता ना करें, कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप बस कांटेक्ट कीजिए। और कई बार जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उनको लाइव सेशन की जरूरत होती है, तो उनको अलग से भी लाइव सेशन फिर दिया जाता है, अगर वो लाइव वाला नहीं अटेंड कर पाते किसी कारण से। वैसे तो लाइव सेशन संडे को चलता है या सैटरडे को चलता है ज्यादातर, तो नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो वीकेंड पे चलता है लाइव सेशन। तो वीकेंड पे कुछ ज्यादातर लोगों की छुट्टियां होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा बिजनेस या काम या नौकरी हो सकती है कि उनको संडे सैटरडे भी छुट्टी ना मिलती है, तो फिर उस कंडीशन में उनको, उनके सामने दूसरा ऑप्शन होता है, सेपरेट लाइव सेशन भी उनको दिया जाता है और बातें भी उनसे की जाती है, बात कर कर बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो वीडियोस तो उनको मिलते ही मिलते हैं। तो वीडियोस तो अपने कंफर्ट से आप जब चाहें तब देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप जॉब में हैं, काम में हैं, फिर भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सब बातों को समझकर आपने ज्वाइन करना है लाइव सेशन के लिए और इसको करना होगा। ध्यान योग का कोर्स 29 तारीख से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यूथ गीता 2 तारीख से, 2 सितंबर से उसका प्रोग्राम शुरू होगा। वो सिर्फ युवाओं के लिए, ओनली फॉर यूथ, नॉट फॉर अदर्स, ओनली फॉर यूथ। तो यूथ के लिए है वो, उसमें बातें भी यूथ की होंगी, यूथ से रिलेटेड डिस्कशंस होंगी और गीता से रिलेटेड, गीता से क्या सोल्यूशन निकलता है, सारी चीजें वो रखी जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स रखे जाएंगे कई तरह के, वो चीजें। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे क्या हमें उसमें नहीं मिलेगी एंट्री, तो भविष्य में एक कोर्स ले आएंगे गीता का, उसमें फिर सब आ सकते हैं। नॉमिनल फी उसका होगा, उसका बहुत ज्यादा फी नहीं रखा जाएगा, नॉमिनल फी उसका रखा जाएगा, ठीक है। तो गीता पर चर्चा होगी, तो वो एक अलग से, अगर आपकी डिमांड है, कई लोगों ने ये कहा है कि भाई जो 35 साल से ज्यादा के एज के हैं वो क्यों नहीं अटेंड करेंगे, तो वो युवाओं के लिए स्पेशली है, तो इसलिए उसको वैसे ही रहने दीजिए, सब लोगों के लिए सामान्य रूप से बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जिज्ञासुओं विश्राम देते हैं, कल फिर 9 बजे मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।